ओके सो गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं डे 7 में लाइब्रेरीज एंड फंक्शंस टॉपिक पे, जिसपे हम लोग दो तीन क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे और कुछ बहुत एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। असल में मॉड्यूल के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है, मगर इसमें हम लोग थोड़ा सा बस रिविजन कर लेंगे कि मॉड्यूल को कैसे हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, कैसे हम लोग मैथ मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं और कैसे हम लोग डेट एंड टाइम मॉड्यूल का यूज करते हैं। तो इतना सब आज की वीडियो में मैं कवर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स का काम यहाँ पे आता कब है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, जैसे कि मान लो कि अगर आपको कोई गेम बनाना है, ठीक है, उसका नाम हो सकता है जैसे कि कोई भी क्विज वाला गेम आपको बनाना है, ठीक है, तो उसमें आपका एक आपकी फाइल होगी जिसमें आप सारा म्यूजिक का उसमें लिखोगे कोड, ठीक है, एक आपकी फाइल होगी जिसमें आप सारी बटन्स के बारे में, वहाँ पे जो आपकी स्क्रीन में बटन नजर आएंगे आप उनके बारे में कोड लिखोगे, एक अलग फाइल होगी जो अलग से आपको कहीं यूज होगी, ठीक है, और उसके लिए हो सकता है GUI के लिए आप लोगों ने यूज करा हो, एक फाइल होगी इसमें लॉजिक्स लिखे होंगे, तो अलग अलग पाइथन फाइल बनाओगे उनको एक साथ जोड़ दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारे मॉड्यूल्स का कि हम लोग उसे कैसे जोड़ते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि जो हमें बिल्ट इन मॉड्यूल्स हमें पहले से प्रोवाइडेड होते हैं, तो इन लाइब्रेरीज के अंदर होते हैं एक फंक्शन, इसको आप एक सूटकेस की तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक सूटकेस है, उसमें हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें अंदर रखते हैं, तो अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट चीज चाहिए तो आपको सूटकेस खोलना पड़ेगा, तभी आप तो आप उस इंपॉर्टेंट चीज को यूज कर पाओगे। बिल्कुल सेम कंसेप्ट यूज होता है हमारी प्रोग्रामिंग में कि लाइब्रेरीज क्या होती है, वो सूटकेस की तरह होती है। असल में लाइब्रेरीज में हम लोग बहुत ही यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, कि हमारी पाइथन जो होता है बहुत ही यूजफुल फंक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे हम लोग अपने कोई भी कोड को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हमें उस कोड को उस फंक्शन को यहाँ पे यूज करना है, तो हम लोग वहाँ पे लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कराते हैं। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं कि उसको कैसे इम्पोर्ट कराना है। वैसे मैं ये टॉपिक पहले भी कवर कर चुका हूँ, मगर इसमें हम लोग बस थोड़ा सा झलक देंगे कि हम लोग कैसे यहाँ पे इसको यूज करते हैं, और इसके बाद हम लोग अभी प्रोग्रामिंग और क्विजेस ही आज, मतलब बेसिक मेरा जो मुद्दा है आज इसको पढ़ाने का, वो है प्रोग्रामिंग और क्विजेस सॉल्व करना, ठीक है। बाकी टॉपिक अगर आपको अच्छे से और समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा, जिसमें मैंने लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स के बारे में अच्छे से समझा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके उसको पढ़ लेना, फिर आप इस वीडियो पे कंटिन्यू कर लेना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे पाइथन प्रोजेक्ट की। तो कोई भी हम लोग पाइथन का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल्स होती है, हमें उनको लिंक करना पड़ता है आपस में, तब जाके हमारा प्रोजेक्ट तैयार होता है, ठीक है। अब हम लोग एक ही फाइल में वो सारा कोड नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि एक फाइल में ज्यादा कोड लिखेंगे तो होगा क्या कि आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 2-3 हज़ार की लाइन की एक फाइल है, तो उसमें काम ढूंढे कहाँ पे क्या है, तो आप खुद ही जो है थक जाओगे, उस प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं करोगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि एक फ्लाइट है, नंबर ऑफ फ्लाइट के बारे में यहाँ पे एक पैकेज बनाया गया है, और दूसरा पैकेज है हमारा एम्प्लॉयज का, ठीक है। तो फ्लाइट्स एंड एम्प्लॉयज, ये दो पैकेज है, इनके अंदर खुद की अपनी init.py फाइल होगी। init.py फाइल के बारे में मैंने आपको पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स वाले वीडियो में बता रखा है, तो मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां जाके आप समझ सकते हैं कि init.py फाइल का क्या काम होता है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैनेज फ्लाइट्स डॉट पाई नाम की एक फाइल है, इधर साइड मैनेज एम्प्लॉयज डॉट पाई नाम की फाइल है। तो अलग अलग फाइल्स होती है, हर एक अंदर अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। इन सबको जब हम एक साथ उठा के एक गुच्छे में रख देते हैं, उसे कहते हैं पाइथन का एक प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वही यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि जैसे मान लो कि अगर हमें फ्लाइट्स नाम का जो हमने एक पैकेज बनाया था, वहां से हमें कुछ उठाना है, कुछ फंक्शंस उठाने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको कैसे बताऊंगा, मैं बोलूंगा फ्रॉम फ्लाइट्स इंपोर्ट कर दो मैनेज फ्लाइट्स, ठीक है, उसके बाद हमें भी मिल जाएगा। बाकी मैनेज फ्लाइट्स के अंदर अगर कोई ऐड सब्ट्रैक्ट जैसा भी कोई भी फंक्शन है, तो वो सब जो है यहाँ पे हमें मिल जाएगा। उसको एक्सेस कैसे करते हैं, मैनेज फ्लाइट्स डॉट ऐड, ठीक है। एक और तरीका होता है, जैसे मल्टीपल आपको चीजें इनपुट लेनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट फ्लाइट्स कॉमा मैनेज फ्लाइट्स, आप दो दो अलग अलग चीज़ों को, दो अलग अलग फाइल्स को भी एक साथ इंपोर्ट करा सकते हैं अपने कोड। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपको एक फाइल इंपोर्ट करानी है तो इंपोर्ट फ्लाइट्स लिखा, अब दोबारा दूसरी फाइल इंपोर्ट करानी है मैनेज फ्लाइट्स वाली, तो उसके लिए दोबारा लिखना है कि इंपोर्ट मैनेज फ्लाइट ना, आप कॉमा सेपरेट करके मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे एक साथ इंपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये चीज़ थी। अब बाकी यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया था रैंडम मॉड्यूल का, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि होता क्या है कि आप एक्स में वैल्यू अगर 10 है, वाई में वैल्यू 50 है, तो 10 से 50 के बीच में अगर आपको कोई रैंडम नंबर चाहिए हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं, रैंडम मॉड्यूल का। तो लिखना बस इतना होता है कि रैंडम डॉट रैंड रेंज, इस रेंज के अंदर मुझे यहाँ पे रेंज देनी होती है कि इनिशियल पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है। ये फंक्शन क्या करता है, उस इनिशियल पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक के नंबर के बीच में जितने भी नंबर आते हैं, उनमें से कोई भी एक रैंडमली आपको नंबर पिक करके आपको आउटपुट में दे देगा। तो इस कोड का ये काम होता है। तो इस कोड को आप लोग अपने आइडियली पे चला के देखना, फिर मुझे बताना कि आपके में क्या आंसर आया, ठीक। हर बार आंसर डिफरेंट आता है, ये भी मैं आपको बता दूँ। फिर यहाँ पे इसी के बाद जस्ट एक क्वेश्चन था कि रैंड रेंज फंक्शन का हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो ये प्रोग्राम क्या कहता है कि आप किसी भी बंदे को बोलते हो कि अच्छा आप जो है अपने दिमाग में कोई नंबर गेस करो, तो वो गेस करता है। तो मान लो उसने 5 गेस करा, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, रैंडम
मॉड्यूल का यूज करके रैंड रेंज फंक्शन डालते हो 1 से लेके 10 तक में, ठीक है। और उसमें आपका जो कंप्यूटर है वो खुद से एक रैंडम वैल्यू उठा के दे रहा है, तो अगर वो रैंडम वैल्यू जो कंप्यूटर दे रहा है अगर वो 3 हुई तो आप वहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे कि नंबर कम है, नंबर इज लो, ठीक है। अगर मान लो कि वो 5 से बड़ा है, 3 हुई जरूरी नहीं, मतलब 5 से अगर कम है तो आप बता दोगे कि नंबर इज लो, क्योंकि यूजर ने आपने क्या सोचा है कि 5 होगी वैल्यू। फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू अगर 7 है, कंप्यूटर मेरा 7 उठा के हमें दे रहा है, तो वो क्या है 5 से ज्यादा है ना, तो हम वहाँ क्या बताएंगे नंबर इज हाई। अगर वो वैल्यू रैंडम मान लो धोखे से अगर रैंडम वाली वैल्यू और हमारे यूजर की जो वैल्यू है दोनों 5 और 5 निकल आती है, मतलब ये तो कोइंसिडेंस से सेम हो गया, तो वहाँ पे हम लोग क्या मैसेज प्रिंट करेंगे, यू हैव गॉट इट राइट। तो हम लोग को छोटा सा प्रोग्राम करना है जिसमें ऐसा कुछ इशू नहीं है, बहुत छोटा सा प्रोग्राम है। देखो गेस नंबर 4, तो मुझे नंबर 4 को गेस करना है, यूजर की चॉइस है कि 4 को निकालो, ठीक है। मैंने रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, मैंने गेस नंबर नाम का फंक्शन बनाया जिसमें नंबर जो मेरे माइंड में है वो है 4, मैंने उसको यहाँ पास कर दिया। फिर मैं क्या करता हूँ, एक्स में वो नंबर यहाँ पे उठा लेता हूँ जो हमारा कंप्यूटर चूज करेगा रैंडमली, तो रैंडम डॉट रैंड रेंज 1, 10 एक से लेकर 10 तक के बीच में नंबर उठाओ, ठीक है। हम चेक करेंगे अगर मेरा जो नंबर कंप्यूटर ने चूज करा है क्या वो कम है जो 4 की वैल्यू है जो यूजर ने खुद माइंड में रखा हुआ है अपने, अगर कम है तो बता दो नंबर इज लो, अगर वो इक्वल है हमारे उस नंबर के जो यूजर ने सोच रखा है तो वहाँ बता दो यू हैव गॉट इट राइट, वरना क्या कर दो नंबर इज हाई। तो ये तो एक छोटा सा प्रोग्राम था बस आपको ये बताने के लिए कि कैसे हम लोग रैंडम में रैंड रेंज फंक्शन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे मैथ फंक्शन में, तो मैथ फंक्शन के यहाँ पे असल में मैथ मॉड्यूल होता है, मैथ मॉड्यूल में कई सारे आपको फंक्शन मिल जाते हैं, तो उनमें से 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको लगभग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आपको यूज करने को मिलेंगे, तो वहाँ पे ये 4 ही आपके काम आएंगे, ठीक। तो इसमें हमें करना क्या पड़ता है, इंपोर्ट मैथ लिखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मैथ मॉड्यूल हमारा इंपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैथ डॉट सील फंक्शन होता है जिसमें हम लोग एक वैल्यू इनपुट करते हैं एक्स, ठीक है। अब जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे उसकी सीलिंग वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि अगर हम 3.2 की बात करें, 3.2 का सील क्या होता है, सील मतलब होता है छत, ठीक है। 3.2 के सील क्या होगा, 4 हो जाएगा। 3.7 का सील क्या होगा, और 4 हो जाएगा, ठीक है। 3.1 का सील क्या होगा, वो भी 4 हो जाएगा। राउंड ऑफ नहीं, राउंड ऑफ अलग होता है, सील एंड फ्लोर फंक्शन अलग होता है। तो अब बारी आती है यहाँ पे मैट डॉट फ्लोर फंक्शन की, तो फ्लोर फंक्शन क्या कहता है, अगर 3.2 है तो 3.2 का फ्लोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.7 का फ्लोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3.9 का फ्लोर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फैक्टोरियल फंक्शन में, कि मैट डॉट फैक्टोरियल फंक्शन, जैसे हम लोग फैक्टोरियल के लिए नहीं एक अलग से फंक्शन बनाते हैं अभी तक, तो अब से हम लोग डायरेक्टली मैथ मॉड्यूल के अंदर जो इनबिल्ट यहाँ पे फंक्शन हमें प्रोवाइड करा गया फैक्टोरियल नाम का, हम लोग उसका यूज करने वाले हैं, तो वो पर्टिकुलर नंबर का हमें फैक्टोरियल प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। फिर आता है यहाँ पे मैथ डॉट एफ ए बी एस, तो ये क्या करता है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू देता है किसी भी नंबर एक्स की, जैसे मान लो एक्स की वैल्यू है प्लस का 15, तो हमें एफ ए बी एस क्या देगा आउटपुट में, प्लस का 15। अगर हमारे एक्स में वैल्यू पड़ी माइनस का 15 तो हमें आंसर क्या मिलेगा, प्लस का 15, मतलब हमेशा हमें वैल्यू प्लस में ही मिलने वाली है, ठीक है, और भले वो माइनस में हो चाहे जिसमें भी हो आंसर हमें हमेशा प्लस में मिलेगा, तो वहाँ पे एफ ए बी एस काम आता है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि एक हमारी जो कॉफी है, तो कॉफी जो है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लेवर्स होते हैं, चॉकलेट, हेजलनट, वेनिला, आयरिश, है ना। तो वो मुझसे कह रहा है कि हमें बताया जाएगा कितने फ्लेवर्स हैं मेरे पास और मुझे बताना है कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मैं बना सकता हूँ उससे। तो कॉम्बिनेशन के लिए आपको पता करना है तो आपको कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो जो बच्चे जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है उनको पता होगा कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है। तो एन सी आर की वैल्यू क्या होती है कि एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो हमें बस वही चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट करनी है। तो हम जानते हैं बार बार हमें फैक्टोरियल निकालने हैं, तो क्यों ना हम लोग मैथ मॉड्यूल से इंपोर्ट कर लें फैक्टोरियल को। अब बार बार फैक्टोरियल इतना बड़ा तो लिखेंगे नहीं, तो उसको हमने क्या बना दिया एस एफ, तो अब हम कहीं भी एफ लिखेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो फैक्टोरियल होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करा कि फाइंड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, मुझे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता करने हैं, तो मैंने लिख दिए यहाँ पे कि नंबर ऑफ फ्लेवर्स मेरे पास 6 फ्लेवर है, तो यहाँ से 6 पास करा, मेरे पास नंबर ऑफ फ्लेवर्स कितने, 6 फ्लेवर है। मुझे पता करना है 6 फ्लेवर से मैं कितने प्रकार की कॉफी बना सकता हूँ, तो अभी टोटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू 0 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, देखो हो सकता है कि हम लोग एक बार में एक फ्लेवर यूज कर रहे हो, या हो सकता है हमें सादी कॉफी पी रहे हो, या हो सकता है एक बार में एक फ्लेवर यूज कर रहा हूँ, हो सकता है एक बार में दो फ्लेवर को मिक्स करके पी रहा हूँ, हो सकता है एक बार में तीन फ्लेवर को मिक्स करके पी रहा हूँ, तो यहाँ टोटल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, हर बार पहले हम एक बार 0 मतलब सादी कॉफी पियेंगे, तो उसमें उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन सी 0। एन सी 0 का मतलब क्या था, फैक्टोरियल ऑफ एन अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 0 इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 0, ऐसी आई की वैल्यू कोई 1 होगी फिर 2 होगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैल्यूज होगी, वो जाके आपके कॉम्बिनेशन में जाके स्टोर हो जाएंगे, तो आपको टोटल पता चलेगा कितने टोटल कॉम्बिनेशन है उस कॉफी के अंदर, आप उसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कॉफीज बनाने के लिए, ठीक है। पहला प्रोग्राम हो जाएगा। फिर आते हैं अपने इस वाले कोड पे, तो वाला कोड मुझे सबसे बढ़िया यही कोड लगा था क्योंकि इसमें मैं भी फंस गया था पहली बार में,
था क्या कि यहाँ पे सॉन्ग दिया जिंगल बे जिंगल बे जिंगल ऑल द वे, ठीक है। तो सॉन्ग डॉट अपर, तो इसको इन्होंने अपर केस में बदला हुआ है, ठीक है। और सॉन्ग वर्ड्स में आ गया सॉन्ग डॉट स्प्लिट, तो सॉन्ग डॉट स्प्लिट से क्या होगा, जितना भी ये कंटेंट दिया गया है इस स्पेस से जो है वो बीच से तोड़ दिया जाएगा, और ये वैल्यूज उठा के वो वर्ड्स उठा उठा के लिस्ट में रख दिए जाएंगे, वो लिस्ट जो है सॉन्ग वर्ड्स में जाके स्टोर हो गई। काउंट की वैल्यू जीरो है, तो ये क्या कह रहा है, वो जो लिस्ट होगी जिसमें अलग अलग वर्ड पड़े हुए उनको जो है उठाएगा। तो क्या चक्कर है कि क्या वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है जिंगल से, अगर जिंगल से स्टार्ट हो रहा है तो काउंट की वैल्यू एक बढ़ जाएगी, वरना क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, सिंपल। तो प्रिंट कर देगा आखिर में आके काउंट, तो हम यही करना है। तो अब आप एक बार वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करके देखो, क्योंकि मेरे को पहली बार फंस गया था, फिर मुझे याद आया अरे अच्छा ऐसा नहीं होता है, तब मैं बताता हूँ। तो पहले आप गेस करो इसका आंसर क्या आएगा। आप लोग कह रहे होगे, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे कह रहे हो कि इसका आंसर आने वाला है 3, तो वो गलत है यहाँ पे। ऐसा क्यों, मैं बताता हूँ। देखो सॉन्ग में जब मैंने ये स्ट्रिंग यहाँ पे सेंटेंस डाला था, तो सॉन्ग डॉट अपर, ये ऑब्वियस सी बात है कि अपर केस से ये जितने भी लेटर्स हैं सब अपर केस में बदल गए, मगर अपर केस में बदल गए मगर हमने इसको स्टोर कहाँ करा, स्टोर तो नहीं करा इसको। अगर सॉन्ग में हम स्टोर कर लेते, सॉन्ग इज इक्वल टू सॉन्ग डॉट अपर, तो जो सॉन्ग के अंदर सारी वैल्यूज थी ये सब अपर केस में आ जाती, सब कैपिटल लेटर हो जाते, मगर ऐसा तो हमने करा नहीं है, तो सॉन्ग डॉट अपर यूज करने का कोई फायदा हुआ नहीं। फिर आते हैं यहाँ पे सॉन्ग वर्ड्स, अब यही सारे जो है ये ब्रेक हो गए, ये वर्ड्स अलग अलग आ गए। अब चेक कर लो कि कौन इसमें कितने जिंगल हैं, तो देखो जे जे आई एन जी एल ई सब जो है स्मॉल लेटर्स में, तो चेक कर लो ये भी लोअर केस में, तो एक यही मिला, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन से फंसना नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे अपने दूसरे क्वेश्चन में कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, मैथ मॉड्यूल का यहाँ पे यूज करा गया है। एक हमारे पास नंबर क्रेस्ट है 100.5, 30.465, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ हमारी फ्रैक्शनल वैल्यूज यहाँ पे दी गई है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है। फिर ये क्या कह रहा है, नम लिस्ट डॉट इंसर्ट, इसी लिस्ट में इंसर्ट करो, इंसर्ट कर दो, कह रहा है फर्स्ट पोजिशन पे -100.5 को इंसर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 100 पॉइंट। अब हमारी लिस्ट कैसे हो जाएगी, 100.5, -100.5, फिर हो जाएगा कॉमा 30.465, बाकी ऐसे लिस्ट आगे तक बढ़ती चली जाएगी। ये क्या कह रहे हैं, नम लिस्ट डॉट पॉप, तो जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू पड़ी उसको पॉप कर दो, हटा दो, तो उसको हटाने, तो जीरो जीरो इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है 100.5, तो मैंने इसको हटा दिया, ठीक है। फिर आते कह रहे हैं नम लिस्ट डॉट सॉर्ट, अब उस लिस्ट को सॉर्ट कर लो, तो अगर हम यहाँ पे 100.5 को एक तरफ हटा दें तो मेरी लिस्ट में क्या क्या वैल्यूज पड़ी है 30, अब पॉइंट अपने आगे लगा देना, ठीक है, -1 पॉइंट समथिंग, 20 पॉइंट समथिंग और -100.5। अब उसको करना है सॉर्ट, तो सॉर्ट जब भी करोगे छोटे से बड़े के ऑर्डर में होगा, तो सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पे क्या है -100.5, तो -100.5 को ये उठा लेगा, ठीक है, मतलब उठा क्या लेगा, कहने का मतलब -100.5 सबसे लेफ्ट साइड पे होगा, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे प्रिंट करना है मैट डॉट सील, ये सब हटाओ पहले, खत्म करो पहले, यहाँ पे आओ, नम लिस्ट जीरो, मतलब जीरो इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट पड़ा है -100.5, तो यहाँ से नम लिस्ट जीरो की जगह क्या हो गया -100.5। इसका हमने एफ ए बी एस निकाला है, अभी मैंने आपको बताया था एफ ए बी एस का काम क्या होता है, जो भी निगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, तो ये क्या हो जाएगा 100.5, ठीक है। और मैथ डॉट सील, और 100.5 की सीलिंग वैल्यू क्या होती है 101, तो आंसर इसका क्या आने वाला है 101, तो मतलब ए वाला यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। फिर आते हैं अपने इस वाले क्वेश्चन में, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक डिक्शनरी थी मेरे पास जिसमें ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू थी 1 और बी एक की है इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 2, और एक हमारी हमने अपडेट फंक्शन का यूज करा हुआ अपने डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए, तो यहाँ बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 10 है, तो ए की 1 है बी की 2 है, फिर बी की 5 हो जाती है सी की 10 हो जाती है, तो बी की अभी ओरिजिनल वैल्यू कौन सी है, तो बी की हमारी जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो सबसे आखिर में अपडेट हुई है। आखिर में क्या अपडेट हुआ, बी की वैल्यू 5, तो मतलब बी की वैल्यू अब क्या होगी 5 होगी ना कि 2 होगी, तो हमें यहाँ पे ए और बी जो सी की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, तो क्या आ जाएगा 1, 5 एंड 10, तो 1, 5 और 10 यहाँ ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे हम लोग टाइम मॉड्यूल पे, तो टाइम मॉड्यूल को आप लोग को खुद ही अपने उसमें प्रोग्राम में खुद ही चलाना है आइडियली में, मैं यहाँ पे बस आपको थोड़ा ओवरऑल बता देता हूँ कि सीन क्या है, आपको इम्पोर्ट टाइम करना होगा, ठीक है, इससे आपका टाइम मॉड्यूल जो है आपके टाइम मॉड्यूल की जितने भी सूटकेस वाली फाइलें सब आपके कोड में पीछे आके बैकग्राउंड में जुड़ी जाएंगी। फिर आपको टाइम डॉट जी एम टाइम करना है, तो होगा क्या, इस समय पे ग्रीनविच मीन टाइम जो भी आपका चल रहा है वो आपको दे देगा, अगर आप वहाँ पे लोकल टाइम डालोगे तो इस समय आपकी जो जहाँ पर रह रहे हो उस जगह का जो पर्टिकुलर टाइम चल रहा है आपको वो दे देगा। जब भी टाइम का हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे टाइम मॉड्यूल का, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो कि मेरा फेवरेट भी है यहाँ पे और जो आपको प्रोग्रामिंग में मदद भी देगा, वो क्या है, ये वाला आखिरी वाला डेट टाइम डॉट डेट डॉट टूडे, ये क्या कहता है, आपको आज की डेट दे देता है, तो यहाँ से आपको कभी भी जब भी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको या तो इस समय करंट टाइम जो अगर होगा जो करंट टाइम होगा आपका वो आपको पूछा जाएगा, वहाँ से आपको कोई कोड का लॉजिक सोचना होगा या फिर करंट डेट से आपको सोचना होगा, तो वहाँ से आपको ये सब फंक्शन काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का ये सब प्रोग्राम हो जाता है।